एसआई भर्ती मामले से जुड़ी जानकारी आपको दे दे, आरोपियों की कोर्ट में पेश हुई ये तस्वीरें जरा देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। तमाम जो आरोपी है उनकी कोर्ट में पेशी और फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा रही हैं। अगर इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए तो एसआई पेपर लीक से जुड़ा ये मामला है। जितनी भी आरोपी इसमें थे उनको लेकर लगातार जो पुलिस है किस तरह से कार्रवाई कर रही है वो हम आपको लगातार दिखा भी रही हैं। और फिलहाल की अगर बात की जाए, अपडेट अगर आपको दे तो आरोपी की कोर्ट में पेशी हो रही है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सत्यनारायण, अगर इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए किस तरह से पूरा मामला सामने आया था और पुलिस की लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है और फिलहाल कोर्ट में पेशी आरोपियों की, जानकारी जरा दीजिए उस पूरी खबर पर। देखिए, पेपर लीक भर्ती परीक्षा जो 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर 50 आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 आरोपी कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किए थे, 2 महिला और 2 पुलिस ट्रेनी जो इंस्पेक्टर है उसमें से थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है क्योंकि इनके पूछताछ जो होने की उसमें पूछताछ हो चुकी है और अब इनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो प्रश्नों के उत्तर ऐसो जी को चाहिए थे वो प्रश्नों के उत्तर ऐसो जी पर आ चुके हैं और अब इनको आज जेल के लिए कहा जाएगा। जबकि ऐसो जी के अधिकारी कह रहे हैं कि अब इनको जेल भेजा जाएगा तो अब माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद में जो अन्य जो रडार पर हैं उप निरीक्षक उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में बता दूं आपको कि 4 जो उप निरीक्षक है उनको पेश किया जा रहा है। उनको पेश करने के बाद में जो है ऐसो जी है वो अन्य जो उप निरीक्षक है उनको भी गिरफ्तार करने का काम करेगी। बिल्कुल सत्यनारायण, कुछ और उप निरीक्षक है जो एसओजी की रडार पर है और इस पूरे मामले पर अगर नजर डाली जाए तो कहा जा रहा है कि वहां तक भी वो जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। बिल्कुल, देखिए अभी तक कई ट्रेनी उप निरीक्षक जो फरार कर रहे हैं जो कि एसओजी रडार पर है तो उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें दबिश दिए जा रहा है और 50 कैंडिडेट हैं जो 50 उप निरीक्षक है उनको एसओजी गिरफ्तार कर चुके, तो माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण के अंदर करीबन 20 से अधिक जो ट्रेनी उप निरीक्षक है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि ये जो उप निरीक्षक है इन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया था और नौकरी पाई थी तो इसी के लिए इनको कोशिश ठहराते हुए इनके पूछताछ की और एक के बाद एक कड़ी जो खुलासा किया गया, एक के बाद एक ट्रेनी उप निरीक्षक गिरफ्तार हुई तो अब माना जा रहा है कि अब करीबन 20 से अधिक ट्रेनी उप निरीक्षक है उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और एसओजी पूरी पकड़जाल का खुलासा जल्द करेगी। इनको बिल्कुल अभी की बात की जाए तो देखिए 4 ट्रेनी उप निरीक्षक है जिनको कोर्ट लेकर पहुंची है सूची और इसमें भी देखिए सत्यनारायण पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, उसको लेकर भी एक बार जानकारी जरा दे दीजिए कि कितनी गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे मामले पर हो चुकी है। इंदु, अभी तक इस पूरे प्रकरण के अंदर 50 ट्रेनी उप निरीक्षक गिरफ्तार किया जा चुका है। करीबन 40 से अधिक ट्रेनी उप निरीक्षक एसओजी के रडार पर हैं जिसके अंदर गिरफ्तारियां होनी बाकी है। हालांकि टोटल 74 गिरफ्तारियां पूरे प्रकरण के अंदर हो चुकी है। जो बड़े बड़े नाम थे, बड़े मगरमच्छ थे जो पेपर लीक किए उन्होंने गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अब ये जो ट्रेनी उप निरीक्षक है जिन्होंने पैसे देकर पेपर लीक लिया था 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, तो इनसे पूछताछ होना काफी जरूरी है कि पैसा इन्होंने किसको दिया था, कौन से बैंक खाते में पैसा गया था, किस दलाल के मार्फत इन्होंने पेपर लिया था, और जो पेपर लीक करने वाले कौन कौन से वो बड़े मगरमच्छ हैं जिनका गिरफ्तार होना भी बाकी है। तो पूछताछ के अंदर कई अहम खुलासे इनके अंदर हो सकते हैं तो ऐसे में पूछताछ होनी जरूरी भी है। फिलहाल 4 आरोपियों को तो पेश किया जा रहा है, हो सकता है इनका रिमांड भी ले लें या फिर हो सकता है कि इनको जेल ही भेज दे, दोनों बातें हैं। लेकिन एसओजी के अधिकारी लगातार आगे से ही कार्रवाई कर रहे हैं। 2021 में जो पेपर लीक हुए थे, चाहे वो उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा हो चाहे वो अन्य परीक्षा हो, कई परीक्षाएं ऐसी हैं जिनके अंदर एसओजी ने कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि आगामी दिनों के अंदर हमें ये जो पेपर लीक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा है इसके अंदर भी जल्द ही बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, संभावना यही है कि बड़ा खुलासा यहाँ पर होगा। सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से अपनी जानकारी साझा करी उसके लिए।